अब आपको सीधा लेकर चलते हैं राजधानी देहरादून, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामियाना उत्सव के दौरान संबोधित कर रहे हैं। पत्ते छाने हैं योजना बारे में, योजना जानकारी छह तो मुन योजना क्या है पता है ना आपको? हाँ योजना ना अपन को ये योजना बारे में पत्ते छा कि ये योजना प्रधानमंत्री जी चला रहा है तो ये जनता बागेश्वर से हमारी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। अब हम चलते हैं हरित क्रांति के जन्म स्थल रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर की ओर। उधम सिंह नगर जी सोनिया जी बताइए आपको कैसे लगी ये योजना? बहुत अच्छी लगी सर जी। अच्छा कौन सा कार्ड है आपके पास? सफेद कार्ड। सफेद कार्ड है, इसमें अभी कितना राशन मिला आपको? 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल। अच्छा कब से अप्रैल से मिल रहा है? हाँ जी। ये घर में कौन कौन है आपके? पांच जने हैं। क्या करते हैं आप? घर पे ही रहते हैं। अच्छा पूरे कोरोना काल में राशन मिला है पिछले साल भी और इस साल भी? हाँ जी मिला है, पूरे कोरोना काल में मिला। अच्छा बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। क्या करते हैं बच्चे, कौन सी पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं सर जी। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा कौन से स्कूल में है? सरस्वती विद्या मंदिर। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छा, तो उनको पढ़ाना है अरे? हाँ जी पढ़ रहे हैं सर जी। चलिए ठीक है मेरी बहुत शुभकामनाएं बच्चों के लिए। ये प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना चलाई है, इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है? नेक्स्ट नहीं सुन पा रहे सर जी। नेक्स्ट टूथ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। तो आइए अब हम चलते हैं हरिद्वार जनपद से वार्ता करने के लिए जनपद हरिद्वार। सर नमस्कार सर, मैं सर शंकर पांडे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार सर। सर ये
इस योजना के तहत सर गत वर्ष हम लोगों ने माह अप्रैल से नवंबर तक लगभग 45,505 मीट्रिक टन खाद्यान्न का सर लाभ पहुंचाया था और इस वर्ष सर अभी तक हम लोग 27,883 मीट्रिक टन का वितरण कर चुके हैं और अभी हमारा अक्टूबर और नवंबर बचा हुआ है तो गत वर्ष के बराबर ही सर ये होगा। और आज के इस कार्यक्रम में सर 21 लाभार्थी आए हैं लेकिन इन चार लोगों को हमने यहाँ रखा है सर आपसे सर संवाद करने के लिए। सर यदि आपकी अनुमति हो तो इनको मैं सर आमंत्रित करना बुलाऊंगा ना आपके पास कौन सा राशन कार्ड है? गुलाबी वाला है। कौन सा वाला? गुलाबी वाला। गुलाबी वाला। हाँ जी। मास्क हटा लो। आपको आपके राशन कार्ड में हर महीने राशन मिलता है? हाँ जी। कितना कितना किलो मिलता है? 35 किलो मिलता है। कितने साल की है? 25 किलो। सात यूनिट है क्या आपके यहाँ? 25 किलो भी मिलता है। अच्छा अच्छा हाँ 5 आदमी का। चलो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको 5-5 किलो पूरी राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिला है जी। प्रत्येक यूनिट पर जो 5 किलो मिलता है? हाँ जी। अच्छा बच्चे कितने हैं आपके? दो बच्चे हैं। कितने साल के हैं? तीन है। अच्छा बोल रही है कितने साल के पूछ रहे हैं? कितने साल के हैं? कितने बड़े हैं पूछ रहे हैं? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? किस कक्षा में पढ़ते हैं? 12वीं 12वीं तक पढ़े हैं। 12वीं 12वीं तक पढ़े हैं। 12वीं 12वीं तक मुझे। अब क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, घर में रहते हैं। अरे कोई काम पर नहीं लगाया क्या हमको? नहीं जी। डीएम साहब देखिए जरा अलग से चिंता करिएगा। ठीक है सर। सर धन्यवाद। सर धन्यवाद। हमारा अगला जनपद है जनपद उत्तरकाशी। जी 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 प्रणाम सर। सर एडीएम उत्तरकाशी सर। सर हमारे अनुसार जो कार्यक्रम है सर 11 दुकानों पर चल रहा है सर, वहाँ जनप्रतिनिधि उसको आयोजन करवा रहे हैं सर। और हमारे यहाँ सर आपसे मुलाकात करने के लिए सर 3 महिला है सर, मिसेज सुनीता सर, मोनी और मिसेज बिरला सर। जी सर। जी नमस्कार। सर नमस्ते। सर मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं ग्राम लदारी से हूँ और मेरा खाद्य सुरक्षा कार्ड है बना हुआ। मुझे राशन यूनिट के हिसाब से महीने महीने में मिलता है सर। और जब हम कोरोना काल में थे सर तो उस समय भी हमें फ्री राशन मिला था माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें इस योजना का लाभ दिया। बच्चे सर 3 बच्चे हैं सर, बड़ा बेटा 16 साल का है। अच्छा। छोटी बेटी 13 साल की। स्कूल जाते हैं? बेटा 10 साल। स्कूल जाते हैं? हाँ जी हाई स्कूल। जी सर बड़ा बेटा 10वीं क्लास में है। अच्छा। और छोटी बेटी 8वीं क्लास में है, छोटा बेटा 5वीं क्लास में है सर। अच्छा। आप लोग काम क्या करते हैं? सर मैं महिला समूह में काम करती हूँ नगर पालिका से। अच्छा महिला समूह में। जी महिला समूह बनाती हूँ सर महिलाओं का। अच्छा समूह में क्या काम करते हैं? सर उसमें 100-100 रुपए महीने में जमा करते हैं सर। अच्छा अच्छा जी। चलिए तो अभी आप लोगों ने कुछ बनाने का काम शुरू किया है साधन उसमें समूह में? जी सर बनाते हैं, करोशिया वाले हो गए, वो चूड़ी हैंगर हो गए, सीसा वाले हैंगर हो गए, इनको बनाते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। जी सर आपसे हमारी अपील रहेगी सर, तो हमें भी बहुत ही अच्छा आप करेंगे सर, हम अपने समूह में के लिए काम लाऊंगी सर मैं। चलिए तो आपका आशीर्वाद होना चाहिए सर। चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। योजना जो आपके घरों तक राशन पहुंचा है आपको पता है ना, प्रधानमंत्री जी ने चलाया है ना?
जी सर, जी सर, हमें फ्री राशन सर, जी सर। लॉकडाउन में भी राशन मिला होगा पूरा? हाँ, लॉकडाउन में भी मिला सर, फ्री राशन मिला था हमें। चलिए ठीक है जी सर, बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, धन्यवाद सर आपका। जी सर, उत्तरकाशी से कोई और प्रतिभागी है जो संवाद कर रहे हैं? सर जी नमस्ते। जी नमस्ते सर, मैं मामू बोल रही हूँ जानसु से। अच्छा, जानसु से बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। चलिए, घर में सब ठीक है? हाँ जी सर, बढ़िया है सर। अच्छा, तुम्हारा नाम किसका है जी? चलिए, राशन मिल रहा है ना? हाँ जी, हम मिल रहा है, राशन मिले सर। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में तीन बच्चे सर, पति हैं। क्या क्या रखते हैं बच्चे? लड़की जो है कर रहे हैं, लड़का पोर्टल में करें सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक। नमस्ते। जनपद उत्तरकाशी, क्या कोई और प्रतिनिधि है, कोई और प्रतिभागी है? नेक्स्ट चलो ना। नमस्ते जी, नमस्ते, ठीक है? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, ठीक है सर, घर में सब ठीक है? राशन मिल रहा है? बोलो दो। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? घर में कौन कौन है? अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? बच्चे एक अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी जनपदों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, एनआईसी, आईटीडीए और सभी जनपदों के उन तकनीकी अधिकारी, तकनीकी टीम के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लाभार्थियों को प्रतीक रूप में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। हम केवल 5 प्रतीक यहाँ पर सम्मानित करेंगे, 5 प्रतीक यहाँ पर रहेंगे, 5 व्यक्ति प्रतीक रूप में। मैं नाम पहले उद्घोषित कर रहा हूँ, कृपया मंच के समीप आएंगे, शीघ्रता के साथ इस कार्यक्रम को हमें संपन्न करना है। ममता देवी, खाद्य सुरक्षा कैटेगरी में कुसुम थापा, मंच के समीप आ जाएं। करुणा थापा, विशन बहादुर थापा, ये अंत्योदय श्रेणी से हैं। सीमा देवी, खाद्य सुरक्षा और शबनम, मंच के समीप आएंगे। सबसे पहले ममता देवी। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से गरीब कल्याण अन्न का खाद्यान्न इन्हें वितरित किया जा रहा है। इनका कार्ड संख्या 055-000-567958। ममता देवी, कुसुम थापा, करुणा थापा, विशन बहादुर थापा, सीमा देवी, शबनम, इस प्रलंब सूची के शेष लाभार्थियों को हम
कार्यक्रम उपरांत खाद्यान्न वितरित करेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वर्चुअल माध्यम से हमारे मध्य माननीय खाद्य मंत्री महोदय श्री बंशीधर भगत जी जुड़ चुके हैं। हम विनम्र प्रार्थना करेंगे माननीय काबीना मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्री बंशीधर भगत जी से अपने स्नेह आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करेंगे। अन्नोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कैबिनेट मंत्री मानवर गणेश जोशी जी, आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री मानवर पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे विधायक राम सिंह कैरिया जी, हमारे सचिव खाद्य मंडाल जी और सभी यहां बैठे तथा जनपदों से जुड़े हुए अधिकारीगण, लाभार्थीगण, आज बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अन्नोत्सव कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को देहरादून से संचालित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश के लोगों को, लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और आज ये कार्यक्रम प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक मुख्यालय पर, नगर निगम कार्यालय पर, नगर पंचायत कार्यालय पर, विभिन्न स्थानों पर हमारे जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं और उसका लाभ। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण अन्न उत्सव कार्यक्रम का देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हितग्राहियों को अन्न वितरित किया। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से संवाद भी किया है।